शहर में सोमवार को सड़क सुरक्षा सप्ताह का शुभारंभ हुआ, जिसकी शुरुआत डीआईजी हरि नारायण चारी मिश्र ने कार्यालय से हरी झंडी दिखाते हुए की। इस दौरान पुलिस द्वारा हेलमेट पहने वाहन रैली भी निकाली गई। रैली में कॉलेज के स्टूडेंट्स भी शामिल हुए। इंदौर पुलिस और विद्यार्थी मिलकर आम जनता को ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए जागरूक करेंगे। इंदौर पुलिस और विद्यार्थी मिलकर आम जनता को ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए जागरूक करेंगे। बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को लेकर सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है, जिससे जनता जागरूक हो और ट्रैफिक नियमों का पालन करे। इसके लिए पुलिस विभाग ने एक छोटी सी एड फिल्म भी बनाई है, जिसमें बताया गया कि नियम से नहीं चलेंगे तो यमराज भी नहीं बचाएंगे। Yeah.
जागरूकता के कार्यक्रम चलेंगे। इन कार्यक्रमों के अलग अलग तरीके के हर स्वरूप इसमें रखे गए हैं, हर वर्ग को, हर समूह को इसमें जोड़ा गया है। जैसे बच्चों को जोड़ा गया है, बुजुर्गों को जोड़ा गया है, हमारे घर के हर उस व्यक्ति को इसमें जोड़ने की कोशिश की गई है जो कि यातायात के कहीं ना कहीं स्टेक होल्डर के रूप में हमारे समाज में मौजूद है। और एक जागरूकता बढ़े उसका आपने देखा कि 4 से 5 अलग अलग पोस्टर, बैनर, फिल्में इनके माध्यम से सुरुचिपूर्ण ढंग से ये बात सब तक पहुंचे, इसके लिए कोशिश की गई है। चाहे बसों से संबंधित सुरक्षा के मानक हो, सर्वोच्च न्यायालय के बहुत सारे मानक हो जो कि आवश्यक है, चाहे बहुत सारे पोस्टर, बैनर, विज्ञापन, यंग या फिर जो शॉर्ट मूवी थी उसके माध्यम से लोगों तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश हो। यातायात पुलिस ने आप सबके सहयोग से इस मुद्दे को सजगता से, दृढ़ता से रेखांकित करने की कोशिश की है और आने वाले 1 सप्ताह में ये काफी धूमधाम से लगभग संवाद के संक्षेपण पर अपने उद्बोधन के, अपने लोगों तक पहुंचने के, संवाद के जो भी माध्यम है उसके माध्यम से इन संवादों को, इस संदेशों को प्रक्षेपित किया जाएगा। और इसमें सबसे खास बात है कि ये जो चीजें हैं, जो जानकारियां हैं, ये जो ज्ञान है, ये 1 सप्ताह का ना होकर के लगातार साल भर तक चलने वाला है। इसमें से अधिकांश लोग परसों से जब बात हो रही थी तो उसमें इस बात का जिक्र किया गया था कि ये अभियान जो पिछले वर्ष चला बड़ा सार्थक रहा। इसमें पूरे वर्ष में जिस तरीके से जितने लोगों की जाने बची, जितने लगभग 50% के आसपास जो गंभीर लोगों की, घायल लोगों की जो संख्या में कमी आई, लगभग 20% उन लोगों की कमी आई जो कि यातायात में दुर्घटनाओं में पिछली बार जान गंवा चुके थे, तो उसके मद्देनजर ये काफी एक बड़ा अभियान है। अगर किसी भी शहर के आंकड़े को देखें, पूरे मध्य प्रदेश में, इवन देश के भी किसी शहर में देखें, तो उस शहर में जितने लोग प्रति वर्ष हत्याओं से जान गंवाते होंगे, अगर उसके मुकाबले 6 से 7 गुना ज्यादा लोग इन एक्सीडेंट के माध्यम से अपनी जान को गंवाते हैं। जैसे कि इंदौर में अगर औसतन 100 लोग अगर जान गंवाते हैं हत्याओं के माध्यम से, तो 600 से 700 के नीचे आंकड़ा जाता है दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवाने वालों की संख्या। इसको दुर्घटना मान करके हम बहुत ध्यान नहीं देते, लेकिन जरूरत है, जान की कीमत बराबर होती है। जान जिसके घर का व्यक्ति जाए उसको अगर खोता है तो उसको खोने का दर्द उतना ही होता है, इसलिए उसको उतनी गंभीरता से लेना है। और इस यातायात सप्ताह का उद्देश्य है कि अपने हम घर के लोगों को, अपने परिचित को, अपने पड़ोसी को, सबको हम सुरक्षित लाएं, एक सुरक्षित माहौल में दें, अपना इंदौर का जो यातायात का माहौल हो बेहतर सुरक्षित हो, और इसी सुरक्षित माहौल को बनाने की दिशा में ये आज शुरू किया गया प्रयास है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक इंदौर में 2017 में 3600 लोगों की सड़क दुर्घटना में मौत हुई है। वहीं एक वर्ष में पूरे भारत में सड़क दुर्घटना में मौत का आंकड़ा 1 लाख के लगभग हुआ है। यदि हम वाहन चालक यातायात नियमों का पालन करें तो बढ़ती दुर्घटनाओं का ये ग्राफ काफी कम हो सकता है।